बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजम उल हसन बाजवा हूँ। आज 14 जून है, जुमा मुबारक का दिन है। नाजकराम, आपको ये मालूम ही है कि हमारे हुक्मरानों का जो रवैया है उसमें एक बादशाह मिजाजी है। यानी बादशाह मिजाजी से, हुक्मरान मिजाजी से मुराद ये होता है कि जब आपका दिल हो कि कुछ भी हो जाए, हम पर तनकीद ना हो, हम स्याह करें सफ़ैद करें, हम स्याह सफ़ैद के मालिक है। ये मुल्क जो है वो हमारे बाप का है, हमने अपने इस मुल्क के अंदर इख्तियार हमारे पास है, हम आवाम को जवाब दे हैं ही नहीं है। हमारे हुक्मरानों का यही मूड नाज़रीन किराम लगता है। इसीलिए ये आपको मालूम आगा होगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर 2-3 बड़े अजीब और वियर्ड किस्म के काम हुए हैं। खास तौर पर एक फायरवॉल इंस्टॉल की गई है ताकि हमारे हुक्मरानों के ऊपर, हमारे अवामी नुमाइंदों के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद ना की जा सके। और दूसरा, फिर आपने पंजाब के हद तक देखा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एरोगेंस है, कुछ ज्यादा अकड़ है, तो यहाँ पर एक हद के इज्जत कानून भी आया है। तो दोनों को लेकर मेरे पास बुरी खबर है। यानी हमारे हुक्मरान, खास तौर पर बिलखसूस शरीफ खानदान, जिन्हें ये तनकीद अच्छी नहीं लगती है और जिनके अंदर ये हुक्मरानी का मिजाज है, उनके लिए दोनों के हवाले से बुरी खबर है। एक तो आज नाज़रीन किराम हुआ ये है कि साहिवाल के अंदर मरियम नवाज साहिबा पहुंची हैं इसी हुक्मरानी मिजाज के साथ, क्योंकि इससे पहले काउंसलर का इलेक्शन भी मैडम ने नहीं लड़ाया, यानी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा और सीधा सीएम बन गई हैं। वो किसमें कोई शक नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नवाज शरीफ साहब ने करवाई है, नवाज शरीफ साहब एक पुराने सियासी आदमी हैं, लेकिन फिर भी जब आप यानी कि थ्योरी कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। मरियम नवाज साहबा डायरेक्ट बन गई हैं सीएम और ऊपर से वो फिर पुलिस वालों की वर्दी भी पहन लेती हैं, तो उनका जो मिजाज है वो शायद उन्हें लगता है कि हम, मेरे पास जो है ना वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट भी मैंने करवाना है। यानी कि आईजी बजाते खुद किसी को सजा नहीं देता होता है, वो एसएचओ से दिलवाता होता है, एसएचओ के काम होता है बंदूक को पकड़ना। लेकिन मरियम नवाज साहबा के अंदर ये अभी, वो शायद अभी उनका सियासी करियर का आगाज है ना, तो उन्हें इस बात का फर्क पता नहीं चलता है। इसलिए नाज़रीन किराम, आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ मरियम नवाज साहबा कर बैठी है और उस गड़बड़ का नतीजा ये हुआ कि साहिवाल अस्पताल में हालात खराब हो चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने मुंह पर आकर शेम शेम के नारे लगाए हैं। नतीजा ये हुआ कि वहां से भागना पड़ा है, यानी कि भागना क्या, बच के ही भागना होता है ना, जब लोग अंधाधुंध आपके पीछे आपके नारे लगा रहे हो और आपके सामने आकर, और वहां से निकलना पड़ा हो। और फिर नाज़रीन किराम, वहां हमने जो तमाशा देखा, अभी भी स्टिल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो साहिवाल के अंदर तमाशा लगा हुआ है। साहिवाल में यानी हमने ये देखा कि पुलिस ने डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया, चपेड़े चल गई, मुक्के चल गए, ठुड्डे चल गए, गालियां चल गई और न जाने क्या कुछ हुआ। ये सारा जो कांड हुआ है ये एक छोटी सी मिस्टेक, मरियम नवाज साहबा की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ है। ये सारी कहानी क्या हुई, मरियम नवाज साहबा को क्या फेस करना पड़ा, कैसे उनके मुंह पर शेम शेम के नारे लगे और कैसे उन्हें वहां से बचकर भागना पड़ा, इसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। तो ये खबरें अब आप रोक नहीं सकेंगे, मतलब आप तनकीद नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आपके मामलात ऐसे होंगे तो ये वीडियोस वायरल होंगी, तो वो बेचारी फायरवॉल क्या ही करेगी, उसके ऊपर कैसे ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो नंबर वन, ये पूरा वाकया क्या है, क्या मामला हुआ, ये खबर मैंने आपके सामने तफसीलन रखनी है। दूसरा, हद के इज्जत इन्होंने बनाया था, आज जस्टिस अमजद रफीक साहब ने पकड़कर उसको कूड़ेदान के अंदर डाल दिया है। मतलब मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे जजेस को जिनके अंदर अभी भी वो रमक बाकी है, जो ये कहते हैं कि भाई हमने जो बैरूनी प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज जिस तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, क्या मुझे फख्र है उस बात के ऊपर जब सरगोधा के जज ने नीचे लिखा कि मैं ऐसे तमाम कामों से खौफजदा नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आज प्रमोट हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन वो जाते जाते जो आज तकरीर करके गए हैं वो आप सबके सामने है। तो हतके यानी उन्हीं की अदालत, यानी कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर ही जस्टिस अमजद रफीक साहब ने हतके इज्जत को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने आज दिल खोल कर बातें की, क्या कमाल बातें की है, क्या क्या कुछ कहा है, बल्कि एक जगह पर उन्हें बहुत गुस्सा भी आ गया आज जेल के अंदर और उन्होंने एक बंदे को बाहर निकाला भी है। वो क्या मामला हुआ आज जेल के अंदर, क्या चीजें हुई, ये तीन खबरें हैं, तीन बड़ी खबरें हैं, मरियम नवाज से रिलेटेड, हद के इज्जत कानून से रिलेटेड और इमरान खान से मुताल्लिक। ये तीनों खबरें तफसीलन आपके सामने रख दूं बगैर किसी वक्त के जाया किए हुए, सिर्फ एक दरखास्त के साथ। वो ये है कि इस वक्त माहौल आपको पता है कैसा चल रहा है, हो सके अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल से दुरुस्त खबरें मिल रही हैं तो प्लीज फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें फायदा मिलता है। बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन बन गई है इस वक्त, जो लोग सही बात करते हैं उनके लिए इस वक्त जो है ना वो डिजिटली प्रेजेंस, क्योंकि टीमें बैठ गई और ना जाने क्या कुछ हो गया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से सच्ची और सही दुरुस्त खबरें मिलती हैं
तो फॉलो जरूर करें, यानी सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अच्छा सुने जनाब, ये वाकया क्या हुआ। आज मरियम नवाज साहिबा पहुंची थी साहिवाल टीचिंग अस्पताल। किस वजह से मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन करम, 8 जून को एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था साहिवाल टीचिंग अस्पताल में, चिल्ड्रन वार्ड के अंदर। हुआ ये था कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई थी और आग से धुआं फैल गया था, उससे तकरीबन कुल मिलाकर 13 बच्चे धुएं की वजह से और इस पूरे मामले से जाम हक हो गए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान पर खेलते हुए वहां से बच्चों को निकालता था। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, ऑब्वियसली जिसकी माफी नहीं दी जा सकती थी, किसी सूरत भी इस वाकये की माफी नहीं दी जा सकती थी। इस वाकये को किसी तरीके से जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, और जिन बच्चों जिन माँ बाप के मासूम फूल उनके हाथों से चले गए, उनके दुख का मुदावा नहीं हो सकता। ये जरूरी था कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाता, ये जरूरी था कि इस मामले को सही तरीके से टेकअप किया जाता, लेकिन जिस तरीके से नाज़रीन करम एक्शन लिया गया वो बड़ा वियर था। मरियम नवाज साहबा जो है वो हलाला करती हुई जो है वो पहुंच गई बजाते खुद अस्पताल में, और उन्होंने वहां पर आज इंक्वायरी कंडक्ट की। इंक्वायरी कंडक्ट करके उन्होंने कहा जी, 4 जो लोग हैं, प्रिंसिपल, MS, DMS और जो एडमिन ऑफिसर है, उन्होंने कहा जी इन तमाम को जो है वो मैं बर्तरफ भी करती हूँ और इनको गिरफ्तार भी करने का फौरी हुक्म दिया जाए। इसके अलावा 10 लोगों को और मुलाजमीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और पुलिस ने थप्पड़ों और मुक्कों से उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यानी मरियम नवाज साहबा को क्राइसिस मैनेजमेंट या फिर सिचुएशन हैंडलिंग करना नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका एक्शन नहीं लेना चाहिए था, इसका एक प्रॉपर तरीका कर। देखिए, जब भी वज़ीर-ए-आला जाता है तो वो SHO नहीं होता, वो ये नहीं कहता इन्हें फाड़ लो, उन्हें फाड़ लो, मार दो इन्हें, चपेड़ा मारो, उन्हें ठुड्डे मारो, ये तरीकाकार नहीं होता। और फिर डॉक्टर्स के साथ, यानी कि आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना होता है यार, किसकी गलती थी, उसका एक कानूनी तरीकाकार होता है। जब आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, जब पुलिस वाले वहां पर उठ के डॉक्टर्स को चपेड़े मारना शुरू हो जाएंगे, ठुड्डे मारना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं किसी की गलती है नहीं है, शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, क्या उसके ऊपर एहतियाती तदाबीर थी, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, किसी को कुछ पता नहीं है, खे और सवा पता नहीं है। वहां पर मरियम नवाज साहबा ने लेकिन एक जज्बाती तकरीर की, और जज्बाती तकरीर की तरह वो, आपको मैंने बताया ना, वो वर्दी पहनती हैं, और न जाने किसने लिखा था, मेरे ख्याल से मदर अब्बास साहब ने लिखा था या सुहेल बड़ाई साहब ने लिखा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी सीनियर साहब ने लिखा था कि वो 1985 वाली, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे ना, 1985 वाली थानेदारनी बनी हुई है। तो उन्होंने थानेदारनी के उस एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा फाड़ लो इन्हें। तो डॉक्टर्स ने नाजने कराम प्रॉपर वीडियोज आई हैं साहिवाला हस्पताल से, प्रॉपर वीडियोज आई हैं, चपेड़े, मुक्के, ठुड्डे, गालियां, गालम गलोच, ऐसा लग रहा खुदा ना खासा जैसे 9 मई वाले मुलजमान को इन्होंने किया ना, जैसे उनके घरों में घुस गए और ठुड्डे मारे और ये सब कुछ किया, इसी तरह से पुलिस डॉक्टर्स के साथ करती हुई यहां पर नजर आई। अब उसका नतीजा ये हुआ कि मरियम नवाज गुजर रही थी, जब ये सारा कुछ वहां पर होता हुआ देखा तो जो सारे लोग थे वहां पर, अस्पताल का जो अमला था वो शदीद तैश में आ गया। अब ठीक है, उनमें कुछ गुनाहगार होंगे, कुछ बेचारे बेगुनाह भी तो होंगे ना, जब आपने ये रवैया उनके साथ अख्तियार किया तो वो लोग वहां पर उनका, मतलब जहां पर आप काम कर रहे होते हैं, एक फैमिली वाला रिलेशन बन जाता है, लोगों के आपकी एक इज्जत होती है, आपका एक वकार होता है। जब पुलिस वाले आपको चपेड़े मारते हैं वहां से लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली लोग हर्ट होते हैं, लोग हर्ट हुए और लोग खड़े हो गए। मरियम नवाज साहब जनाबे वाला जब वहां से गुजरने लगी तो CM शेम शेम, मरियम नवाज शेम शेम, यानी ये डॉक्टर्स ने वहां पर नारे लगाने शुरू कर दिए मरियम नवाज के सामने, मरियम नवाज के मुंह के ऊपर। नाज़रीन करम, साहिवाल टीचिंग अस्पताल में ये काम होना शुरू हो चुका। जब ये हुआ तो पुलिस वालों ने और एक्शन लिया, मजीद ठुड्डे मारे। अब ये जब ये सारी सिचुएशन नाज़रीन करम साहिवाल टीचिंग अस्पताल में बनी तो हुआ ये कि जो पूरा अस्पताल इंतजामिया थी, जो अमला था, उसने हड़ताल कर दी, उसने कहा जी अब हम सुनेंगे नहीं। वो हड़ताल करके अस्पताल से बाहर आ गए और उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी। अब मुझे एक बात बताइए, जिन बेचारी जानों का, जिन नन्हे फूलों का नुकसान हुआ, अब इस तरह से उनका मदावा तो हो नहीं सका जो इन्होंने काम किया, बल्कि इससे मजीद जाने जाने का खतरा है। तमाम अमले ने काम छोड़ दिया, अमला काम छोड़कर बाहर आ गया। अब उसमें से कई मरीज होंगे जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आए होंगे, कई मरीज होंगे जो कि क्रिटिकल होंगे, जिनको फौरी 24/7 जो है वो वहां पर जरूरत होगी केयर की। कई मरीज ICU के अंदर होंगे, मतलब कई मरीज जिंदगी और मौत की बाजी वहां पर हो रहे, उनके दरमियान लटक रहे होंगे। मुझे बताइए, आज अगर उनकी जान जाती है जिस तरह से तमाम अमला बाहर आ गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? नाज़रीन किराम, असल मसला यह है ना कि हमने, मुझे पता कि इसके ऊपर भी शायद मैं, अब तो यकीन करें 100 दफा ख्याल आता है, मरियम नवाज साहब इतना माइंड करती है ना इन सारी चीजों को,
कि भाई ए फलाना साहब भी बोला इनू करवा दो, ए इंज करा दो, इतने परचा करा दो, इतने फलाना करा दो, इंज करा दो, मतलब अजीब किस्म की जो है वो मामलात जो है वो चल रहे हैं। अब फायर वॉल देख लें, हद के, अब हद के इज्जत कानून का सुन लें। इमरान खान की बात करने से पहले भाई ये जो हद के इज्जत कानून वाला जो शोशा छोड़ा हुआ है वो सुन लें, आज उसके ऊपर नानेकराम क्या हुआ है, आज उसको अदालत कैसे देख रही है। जस्टिस अमजद रफीक की अदालत के अंदर नानेकराम ये सारा केस गया हुआ था, तो उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो कानून कैसे बरकरार रह सकता है। 20 दिन बाद वैसे ही कानून बनना था तो इतनी इमरजेंसी क्या थी कि कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद भी ट्रिब्यूनल मर्जी का लगाए जाते हैं तो फिर उसके क्या असरात होंगे। ये जस्टिस अमजद रफीक साहब अब दोनों केसेस को जो है ना वो मिक्स आउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, क्या इसे खुला छोड़ दिया जाए। ये बात दुरुस्त है कि किसी एक प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए कानून नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साफियों को रेगुलेट करने के लिए आप कानून लेकर आ जाएंगे। जस्टिस अमजद रफीक कह रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। वो कहते हैं कि अभी जज फैसला महफूज करता है तो बाहर जाकर कहा जाता है जी जज मुतसिब है, क्या इस मामले को किसी ने नहीं देखना, मतलब ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना। ये दोनों चीजों की ट्रिब्यूनल और ये सारी दोनों चीजों की उन्होंने बात की, कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि ये क्या तरीकाकार है, यानी कि अगर आपने एक शोबे को रेगुलेट करने के लिए आप ये सारी चीजें कर रही हैं। तो मरियम नवाज साहिबा नानेकराम एक आई डोंट नो, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन यह हकीकत है, एक आमराना सोच की मालिक हैं, एक एसएचओ वाला उनका जहन है, उनका जहन एसएचओ के लेवल से ऊपर ही नहीं गया है। मरियम नवाज साहिबा का जहन नीचे दब के रह गया है, उनके पास एक बड़ा इस वक्त ओहदा है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, गो के फॉर्म 47 के मुताबिक ही वो वजीर आला हैं, लेकिन वजीर आला तो हैं ना, अब उसको आपने टेकअप करना है। जो आपने साहिवाल टीचिंग अस्पताल में जाके किया है, आपने इस मामले को इस तरह से देखना है। मरियम नवाज साहबा को सोचने और समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि आज जो भंड हुआ है उसके ऊपर किसकी जवाब तलबी होनी चाहिए। उधर तो आपने वो जो भंड करवा दिया, आपसे कोई जवाब लेगा? आज मियाँ साहब को चाहिए जब उनकी दुख्तर घर पर आए तो उन्हें कहें कि जना ये साहिवाल में क्या करके आई आप, आपने इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करवा दिया वहां पर। खैर अगेन, वो जो नन्हे फूलों की जान गई उसका कोई मदावा नहीं है, लेकिन चीजें तरीकेकार से तय करनी चाहिए, तरीकेकार होता है हर चीज को डील करने का। ऐसे उठ के ऐसे कहेंगे तो क्योस पैदा हो जाएगा, वो जो सोशल फैब्रिक है वो टूट जाएगा। एक तरीकेकार से चीजें होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उनको 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 मद्देनजर देखते हुए चीजें रखनी चाहिए। बहरहाल मैं बड़ी देखिए मैं बड़े शाइस्ता लहजे में तनकीद कर रहा हूँ और ये कोई मैं कोई बोझ नहीं निकाल रहा, मैं जायज जो तनकीद है उनके ऊपर वो कर रहा हूँ और ये होनी भी चाहिए, ये जरूर करनी चाहिए और इसमें कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए। अच्छा जनाब, आज सुनिए इमरान खान साहब, चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस की समाप्त थी तो सहाफियों से मिले। अब सहाफियों के साथ मुलाकात करके इमरान खान ने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि सरगोधा के जज ने लाहौर हाईकोर्ट को बताया कि कैसे खुफिया इदारे ने उस पर दबाव डाला, उस जज को घर की गैस काट दी गई और उन पर दबाव डाला जा रहा है, जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो सहाफी पीटीआई के हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है, रऊफ हसन पर हमला करके उसका मुंह काट दिया गया, अली जमान पर तशद्दुद किया गया, इस सब में खुफिया इदारा शामिल है। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारे फौजी और जो पुलिस मुलाजिम रोज शहीद हो रहे हैं, आईएसआई का काम उन्हें तहफुज देना है लेकिन इसे पीटीआई को खत्म करने पर लगाया हुआ है। ये इमरान खान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को पैगाम दिया है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करवाएं। इमरान खान ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है, हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि कौम सरगोधा के एक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। यानी वैसे तो वो उन्हें इमरान खान को ये कहना चाहिए था कि जितने लोग रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, जितने लोग कानून और आईन की हुक्मरानी की बात करें, सबको सलाम पेश करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बजट के मुताबिक हमने 13,000 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना है जिसमें से 9,800 अरब का कर्ज सूद अदा करना है। बजट खसारा पूरा करने में हमें 7,500 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा, पाकिस्तान तो डूब चुका है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो सिर्फ कानून की हुक्मरानी से आएगी, 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी अब इस साल आई है। इमरान खान जो बात करें वो दुरुस्त कह रहे हैं और ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। मुझे बताइए किधर जाएंगे आप, किधर जाएंगे? आपने एक लीडर को डाल दिया जेल के अंदर जो कि 6.7% या 6% मिनिमम GDP की शरह थी, ग्रोथ रेट था आपका, आप उसे किधर किधर लेके जा रहे हैं? ठीक है, मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है,
تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس اضافی بوجھ پر اسے ڈال دیا گیا ہے. اور عمران خان نے اور بھی نازنین کرام بہت ساری باتیں کی جو ہے نا. وہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ گروپنگ ختم کرو, اکٹھی ہو جائے, یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا, سخت ایکشن لوں گا. اور عمران خان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ خان صاحب کیا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو نمائندہ دے گی تو ہی اسے بات کریں گے, تو عمران خان اس کا جواب دیے بغیر چلے گئے. تو یہ تین چار چیزیں ناظرین کرام آج ہوئی ہیں. ہاں, ایک اہم ترین چیز یہ ہوئی ہے کہ عمران ریاض خان کو تمام مقدمات میں آج وہ بری ہو گئے ہیں, رہا ہو گئے ہیں, ماشاء اللہ گھر آ گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کیا اس گرفتاری کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف حد سے انہیں روکنا تھا؟ صرف حد سے روکنے کے لیے ان کو جیل کی ہوا کھلائی گئی ہے؟ ایک جھوٹے مقدمے میں ایک شخص کو پکڑا گیا اور احرام اس کا زبردستی اتروایا گیا. ہمیں کو غیرت ایمانی رہی بھی ہے یا نہیں رہی ہے؟ اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ پاکستان, زندہ باد.